नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, फितरत हमारी सहने की ना होती, फितरत हमारी सहने की ना होती, तो हिम्मत तुम्हारी कहने की ना होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर पे। प्यारे बच्चों, जो NTA की हमने श्रृंखला स्टार्ट की हुई थी ना, जो क्वेश्चन बैंक हमने स्टार्ट किया हुआ था, हरियाणा जीके इंडिया जीके का, वो कंटिन्यू रखेंगे। और डेली एक क्लास है ना आपको, मतलब इंडिया जीके की मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट वाइज क्लास मिलेगी, फुल डिटेल कॉन्सेप्ट होगा। एंशिएंट इंडिया है ना, जल्दी वहाँ पर पूरा होते ही मिडवल मॉडर्न सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। और जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करना। वहां पर सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, हर बच्चा कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है? प्यारे बच्चों, हरियाणा के किस शहर को? तो हरियाणा के गुरुग्राम को रहेगा। किसको रहेगा? गुरुग्राम को रहेगा। और इससे पहले गुरुग्राम का ना विकास किस कंपनी ने किया था? DLF ने गुरुग्राम का विकास किया था। इसकी फुल फॉर्म रहेगी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस रहेगी। क्या रहेगी प्यारे बच्चों? दिल्ली दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इसकी क्या रहेगी? फाइनेंस फुल फॉर्म रहेगी। ये किसका विकास करने के लिए आई थी? गुरुजी, दिल्ली का विकास करने के लिए आई थी, लेकिन दिल्ली में DDA आ गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो दिल्ली ने DLF को धक्के मार के बाहर निकाला। तो DLF ने सौगंध खाई थी, मैं हरियाणा के एक शहर को, मतलब दिल्ली से अच्छा बनाऊंगी, तो उसने ने गुरुग्राम को चुना था और बना भी दिया। तो हरियाणा के निम्नलिखित में किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो प्यारे बच्चों, गुरुग्राम सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम को ना आने वाले टाइम में देख लेना, फरीदाबाद से ज्यादा उद्योग आप गुरुग्राम में देखोगे। इसे औद्योगिक बिहार के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक बिहार हमारा गुरुग्राम रहेगा, और औद्योगिक नगरी है ना, तो आज भी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। और गुरुग्राम को तो कॉल सेंटर कैपिटल, सिटी ऑफ कैपिटल कई नाम से जाना जाता है। आगे आता है, हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले प्यारे बच्चों, इसे सूर पुरस्कार कहा करते थे। क्या कहते थे? सूर पुरस्कार कहा करते थे, ठीक है। जैसे 22 मई 2016 को ना आपने सुना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम है सूर सम्मान कर दिया गया। ये किस में दिया जाता है आपको याद रखना? ये साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ये क्वेश्चन आएगा, सूर सम्मान किस में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। और संत सूरदास है ना, वो किसके समकालीन होते थे? तो मुगल बादशाह अकबर, अकबर किसका समकालीन होता था? संत सूरदास का समकालीन होता था। संत सूरदास के गुरु का नाम है ना, तो आचार्य बल्लभाचार्य, आचार्य बल्लभाचार्य कौन रहेंगे? इनके गुरु रहेंगे। और आचार्य बल्लभाचार्य ना आए तो इनके दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी इनके क्या हो जाएंगे? दूसरे गुरु हो जाएंगे। पहले गुरु हो तो आचार्य बल्लभाचार्य, दूसरे गुरु पूछे तो कौन रहेंगे? संत हरिदास जी इनके क्या हो जाएंगे? दूसरे गुरु हो जाएंगे। और ये भी आ सकता है, आचार्य बल्लभाचार्य से संत सूरदास की भेंट कहाँ पर हुई थी? तो इनकी भेंट है ना गऊ घाट में हुई थी। गऊ घाट गुरु जी कहाँ पर है? आगरा में है। आगरा गुरु जी कहाँ पर है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इनकी भेंट किससे हुई थी? इनकी भेंट हो गई थी किससे हो गई थी प्यारे? आचार्य बल्लभाचार्य से। और आचार्य बल्लभाचार्य जी ने इन्होंने इनको मथुरा के मंदिर की देख रेख सौंप दी। और संत सूरदास जन्म से क्या होते थे प्यारे बच्चों? जन्मांध बोलते हैं, जो जन्म से क्या हो, अंधे थे। कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। सूर सागर फेमस रचना थी, सूर सारावली भी इनकी फेमस है रचना हुआ करती थी। सूर सागर जब लिखी गई तो 1.5 लाख पद के, 1.25 लाख प्लस पद थे, अभी 4 से 5 हजार पद बच्चे हैं। बाकी आते हैं, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? तो प्यारे बच्चों, ये पंजाब कृषि बाजार अधिनियम 1961 का था। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 का। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज भी है ना हम पर कौन से अधिनियम है? पंजाब के कुछ अधिनियम चल रहे हैं। पंजाब कृषि बाजार अधिनियम 1961, यानी 1966 से पहले क्या था प्यारे बच्चों? हरियाणा पंजाब का ही पार्ट था। हरियाणा को पंजाब का
आप कहोगे ना लगभग 34 पॉइंट है एक, आप लगभग है ना, आप मान के चलो कि हरियाणा को पंजाब का 35% हिस्सा मिला। और हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पंजाब में विधानसभा की सीट 154 थी, 54 सीटें हरियाणा के पास आई 1966 में, और 100 सीटें पंजाब के पास है रह गई थी। अब पंजाब के पास पीछे 119 सीटों पर उनके क्या हुआ चुनाव, भगवत मान पंजाब के सीएम बने, 91 सीटें आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीती। तो आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, हरियाणा में ना 1966 में विधानसभा की 54 सीटें थी, 1967 में 54 से बढ़ाकर 81 कर दी गई, और 1977 में 81 से बढ़ाकर उन सीटों को क्या कर दिया गया 90। तो पंजाब कृषि बाजार अधिनियम, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 का रहेगा। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं, तो हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर दोनों किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, दीपचंद बहमन को कहते हैं। एक पूछे तो प्यारे बच्चों वो कौन हो जाएगा, पंडित लक्ष्मीचंद, और पंडित लक्ष्मीचंद को ना पंडित लक्ष्मी चंद को और क्या कहा जाता है, सूफी संत की मीरा, सूफी संत की मीरा भी कहा जाता है, और सूर्य कवि कहा जाता है, सूर्य कवि कहा जाता है। गुरु का नाम पूछे तो इनके गुरु का नाम क्या होता था, मान सिंह होता था, पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु का नाम मान सिंह होता था। एजुकेशन पूछे तो अनपढ़ होते थे, पंडित लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी अटेरना गांव महेंद्रगढ़ में कला संस्कृति यूनिवर्सिटी रहेगी, तो दीपचंद बहमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा में संगीत जो सांग परंपरा का जनक है ना वो पिता किसे कहा जाता है, किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। किशन लाल भट्ट का संबंध उत्तर प्रदेश से हुआ करता था, यूपी मेरठ से आप पढ़ोगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति। और अगर मतलब उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति है ना सैलरी है ना राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, वो राज्य के सभा के पदेन सभापति के रूप में क्या लेता है, सैलरी लेता है। और ये आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले उपराष्ट्रपति कौन होते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधा राधा कृष्णन है ना पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, और सेकंड राष्ट्रपति भी कौन होते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन देश के सेकंड राष्ट्रपति होते थे, और दूसरे के मतलब दूसरे राष्ट्रपति होते थे पहले उपराष्ट्रपति होते थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से लेकर 1962 तक है देश के क्या रहे थे, पहले राष्ट्रपति रहने का क्या मिला था उनको, गौरव मिला था। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पूर्वी कृषि ये आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आगामी एग्जाम में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में स्थित रहेगा, कहाँ पर स्थित रहेगा करनाल। इसे प्यारे बच्चों हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा, पेरिस सीन नदी के किनारे रहेगा। और करनाल है ना प्यारे बच्चों ये कर्ण नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कल्पना चावला का भी संबंध कहाँ से होता था, करनाल से कल्पना चावला का संबंध है। पेपर में पूछेगा गरोंडा कहाँ पर है, तो आंख बंद करके कर देना, गरोंडा कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। और महाराणा प्रताप वो यूनिवर्सिटी बागवानी के लिए वो भी करनाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है, तो प्यारे बच्चों गेहूं अनुसंधान निदेशालय और जौ ये कहाँ पर रहेगा, ये भी करनाल में रहेगा, कहाँ पर रहेगा आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 आपने सुना होगा, 1923 में वो बेंगलुरु में होता था। और गेहूं अनुसंधान केंद्र जो 1900 आप जैसे पढ़ते हो प्यारे बच्चों, मिट्टी लवणता वाला 1969 है, गेहूं वाला 1978 है, तो गेहूं और जौ वाला कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो प्यारे बच्चों हरियाणा में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र है, और कमेंट करके बताना वो 2 कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र रहेंगे, उस बच्चे का कल है ना क्लास में मैं नाम बोलूंगा जो सबसे पहले बताएगा। तो हरियाणा में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र रहेंगे, तो प्यारे बच्चों हरियाणा में 2 कृषि जलवायु क्या रहेंगे, क्षेत्र रहेंगे। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता, तो ये किसने जीतने का काम किया था प्यारे बच्चों, ये पुरस्कार
हरियाणा ने जीतने का काम किया था। सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता था? हरियाणा ने जीता था। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व, हरियाणा भारत के 1.34% हिस्से पर है, लेकिन हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है। तो कृषि में ना हरियाणा का अग्रणी योगदान है। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, प्रति हेक्टेयर पंजाब में होता है, लेकिन ना हरियाणा में गेहूं का उत्पादन ज्यादा है, खपत कम है, इसलिए गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा राज्य में आगे आता है प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित करती है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार ना वो कृत्रिम तालाब में, ठीक है, और अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? तो प्यारे बच्चों वो कृत्रिम अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब बना करना वहां पर मछली पकड़ने का काम करते हैं। और मछली से संबंधित कल्चर पूछे तो पीसी कल्चर रहेगा, मधुमक्खी से संबंधित पूछे तो एपी कल्चर रहेगा, केंचुआ पालन पूछे तो बर्मी कल्चर रहेगा, फूल विज्ञान पूछे तो फ्लोरी कल्चर हो जाएगा, रेशम वाला पूछे तो प्यारे बच्चों आपका मोरी कल्चर भी किससे संबंधित है, रेशम से संबंधित रहेगा, बागवानी पूछे तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बैच है प्यारे बच्चों ऑन गोइंग बैच है, 7497400047 पर कॉन्टेक्ट कर लेना। अभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, सारी क्लासे लाइव होती है, सारा बैच साथ में रिकॉर्डेड दिया गया है, 22 टीचरों की ये टीम है, देख लेना अच्छा लगे तो। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूने के प्रशिक्षण के लिए HDSC की खालिस्तान में बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है, ये गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों के प्रशिक्षण के लिए HSDC की खालिस्तान में एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला रहेगी, ये आगामी एग्जाम में रहेगा। उमरी में कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? उमरी में क्या रहेगी? उमरी में एक बीज प्रशिक्षण क्या रहेगी? प्रयोगशाला रहेगी। उमरी कहां पर है ये कमेंट आप कर सकते हो। निम्नलिखित में कौन सी फसल हरियाणा के मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से प्यारे बच्चों इसमें जैसे ऑप्शन देगा, जैसे गन्ना दे दिया, ठीक है, गन्ना दे दिया प्यारे बच्चों, चावल दे दिया, कपास दे दी और गेहूं दे दी। तो गेहूं है ना इसमें कौन सी फसल में नहीं आएगी? खरीफ में नहीं आएगी। और गेहूं कौन सी फसल में आएगी प्यारे बच्चों? गेहूं है ना ये रबी की फसल में क्या होगा काउंट? तो गेहूं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में ये पूछा जाता है, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर रहेगी? तो निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर रहेगी? ये लाडवा में रहेगी। और लाडवा कहाँ पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक लाडवा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। याद ना रहे तो लाडने वाले जीतने वाले को क्या लड़ाया जाएगा? लाड लड़ाया जाएगा। जब आप मतलब कि जॉब लग जाएगी ना तो आपसे प्यारे बच्चों दूर के रिश्तेदार है ना वो भी रिश्तेदारियां निकालेंगे, और जब जॉब नहीं लगेगी ना तो घर वाले भी आपके जो चाचा ताऊ है ना वो भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। और देख लेना प्यारे बच्चों जिस दिन जॉब होगी ना कोई खुश नहीं होगा आपसे सिवाय आपके मम्मी पापा या आपके गुरुजन, दो ही इंसान उस दिन है ना खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ जाएंगे। टीचर ये सोचता है कि उसका बच्चा जॉब लग गया, और मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। और प्यारे बच्चों आ मम्मी पापा के नाम से हम जाने जाते हैं, गौरव की बात है, लेकिन मजा तो तब है जब हमारा नाम हो और हमारे मम्मी पापा जाने जाए, और उस दिन ना मजा आएगा। और मैं वो चीज है ना आप सबके घरों में मैं देखना चाहता हूँ, हर जरूरतमंद घर में ना मैं ऐसी चीजें देखना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे जब आते हैं ना तो मैं यही कहता हूँ कि जीवन में हर चीज है ना टेम्परेरी है, बदल जाएगी, लेकिन ना तो माँ की ममता बदलेगी ना पिता का प्यार बदलेगा, ये चीज कभी बदल नहीं सकती, बहन का प्यार कभी बदल नहीं सकता। ये चीजें हैं प्यारे बच्चों, बाकी ये दिखावटी रिश्ते हैं। और जो आप कहते हो ना ये फेसबुक का आप लड़का क्या करता है, बोला ग्रुप चला रहा है, कई ग्रुपों का एडमिन है, काम नहीं आएगा। जिस दिन आपको चोट लगेगी ना और जिस दिन चोट के बाद होश आएगा ना तो सामने बेड के ना आपके मम्मी पापा बहन भाई बैठे मिलेंगे,
और जो ग्रुप आज है ना, आप पांच, आप मानते हो मेरे फेसबुक पे 10,000 फ्रेंड है, लिमिट 5,000 की है तो 5,000 मान सकते हो, कोई काम नहीं आएगा। टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है, पैसे की यारी है, कोई किसी को बेमतलब है नहीं पूछेगा। तो थोड़ा सा ना इस मेरी बात को ध्यान, और ये मेरी बात है ना, किस किस बच्चे को दिल पर छुई वो कमेंट करके जरूर बताना। आगे आता है WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसार द्वारा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी? 1970 में बनी। किसके लिए शोध पर सम्मानित की गई? चावल के लिए शोध पर सम्मानित की गई। ये नई किस्म है ना प्यारे बच्चों, ये गेहूं की किस्म रहेगी। किसकी रहेगी? गेहूं की। क्या रहेगी? नई किस्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। हरियाणा में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये प्यारे बच्चों सन याद कर लेना, 612 में, ठीक है, कब की बात है? 612 में महाराजा हर्षवर्धन है ना, उन्होंने शिलादित्य की, महाराजा हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि ली थी? शिलादित्य और देव पुत्र की उपाधि इन्होंने कब ली थी? 612 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन ने शिलादित्य और देव पुत्र की क्या ली थी? उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन होता था? तो उस टाइम हरियाणा में तोमर वंश का क्या होता था? शासन होता था। और कहते हैं तोमर वंश का, ये रट लेना पक्का आएगा, तोमर वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण तोमर वंश के पतन का कारण था। और एक लगातार है ना उनका चौहानों से क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी यश यश तिलक चंपू से मिलती है, एक पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तोमर शासकों के शासन काल में हरियाणा में व्यापार कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ये पेपर में रट लेना प्यारे बच्चों, ये यश तिलक चंपू से इसकी क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिल सकता है। आगे आता है, खाली तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, वो कौन था? तोमर वंश का शासक प्यारे बच्चों अनंग पाल होता था। कौन होता था? अनंग पाल होता था। और ये अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। इनका कार्यकाल आप 1166 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका काल देखोगे, आप पृथ्वीराज चौहान। और ये चंद्रबरदाई के दोस्त थे, और कहते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान है ना, उनका एक ही दिन जन्म हुआ था और एक ही दिन उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आ सकता है। ये माना जाता है कि सूरजकुंड खालिस्तान शताब्दी में बनाया गया था, तो सूरजकुंड है ना ये प्यारे बच्चों 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये याद कर लेना। और सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया था? अनंग पाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया। अनंग पाल तोमर नाय तो द्वितीय, इसी को किस नाम से जाना जाता है? सूरज मल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किसका निर्माण कराया था? सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? 10वीं शताब्दी में इन्होंने निर्माण करवाया था। आगे आता है, गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन हुआ करता था? तो दिल्ली में तोमर वंश का शासन होता था। दिल्ली में तोमर का शासक होता था। किस वंश का शासक होता था? तोमर वंश का शासक होता था। और जिन्होंने 10वीं शताब्दी में किसका निर्माण करवाया था? सूरज कुंड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और यहाँ पर क्या लगता है? फरवरी महीने में ना, इस बार अलग लगा है, फरवरी महीने में क्या लगता है? सूरज कुंड का मेला लगता है। किस महीने में लगता है? फरवरी महीने में हर बार लगता है। इस बार है ना आप सूरज कुंड मेला 2022 डाल देना। और प्यारे बच्चों मैंने बड़े डिटेल से वहां पर A to Z चीजें करवा रखी है, वो वहां से आप देख लेना। आगे आता है, पेहवा शिलालेख 882 ईस्वी में, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या पूछना चाहता है? पेहवा शिलालेख 882 ईस्वी जिस पर कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते के रिकॉर्ड है जो पेहवा में घोड़े मिले हैं, वह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पेहवा अभिलेख है ना, यह किस शताब्दी का अभिलेख है? नौवीं शताब्दी का क्या है अभिलेख है? और पेहवा में ना नौवीं शताब्दी में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। तो आप नौवीं शताब्दी तो याद है, लेकिन प्रॉपर वो पूछेगा कब मिला, 882 ईस्वी में मिला, और ये प्यारे बच्चों किस राजा के टाइम का होता था? तो राजा मिहिर भोज के टाइम का होता था, और राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा, जिसे हरियाणा का गया कहा जाता है, वहां पर किसकी ट्रेड होती थी? घोड़ों की व्यापार होती थी। घोड़े वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इस जनगणना के अनुसार घोड़े है ना और कुत्ते गुरुग्राम में ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हो गया था? तो चाहवन, ठीक है, चाहवन के साथ है ना तोमर शासन का क्या राजवंश के साथ समाप्त हो गया? उस क्षेत्र जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हो गया? तो चाहवन राजवंश के साथ है ना तोमर वंश का क्या हो गया? इतिहास है समाप्त हो गया। इतिहास की जानकारी पूछे तो कौन सी पुस्तक देती है? तो तोमर वंश के इतिहास की जानकारी प्यारे बच्चों हमें जो पुस्तक देती है वो यश तिलक है चंपू देती है। कौन सी देती है? यस तिलक है चंपू देती है। गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का शासक होता था? तो किस वंश का शासक होता था प्यारे बच्चों? तोमर वंश का। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें यस तिलक है चंपू नामक पुस्तक से मिलती है, जो बौद्ध साहित्य है ना दिव्यावदान और मज्जी निकाय, वो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, ये याद कर लेना। और ये क्या था, मध्य एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, यश तिलक चंपू। आगे आता है शासक है विगर राज 5 के किन 3 शिलालेखों में किस स्तंभ में है? तो शासक विगर राज 4 के 3 शिलालेख है ना ये टोपरा अभिलेख में रहेंगे। किस अभिलेख में रहेंगे? टोपरा अभिलेख में रहेंगे। जो अम्बाला यमुनानगर का आप टोपरा अभिलेख पढ़ते हो ना, कहते हैं इसी अभिलेख को ना एक शासक होता था फिरोज शाह, ये कहां पर लेकर जाने का काम करता है प्यारे बच्चों? दिल्ली में लेकर जाने का काम करता है। ये आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक कैसा लगा? और प्यारे बच्चों दुरीना पर ना ये मेरी 2 क्लासें मतलब यहाँ पर भी मिलेगी, और दुरीना पर कोर्स है 22 टीचरों का, आप लेना चाहो तो लाइव और रिकॉर्डेड अभी है ना 15 दिन हुए हैं, और एग्जाम से पहले बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और दोबारा कहूंगा किसी भी हालत में ना एजुकेशन को मत रुकने देना, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं ऐसियत पूछती है। तभी कहता हूं देर से बनो लेकिन जरूर बनो, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील बनाने कराने के लिए। अगर गालिब कहते थे अगर किंग की तरह जीना है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।